जे गेलन हे से अभी तक यहाँ क्यों न मारलन है गाँव में कि गाँव हमर कैसन है बाबा की जन भूमि हलन उनका रामलखन यादव जी के लेकिन ताकू नलन है रामलखन यादव जी तो एको कर सरकार गई थे बाकी बीच में खा के अब ये मुखिया जितना जो अथी सब मिल के खा दे डेंजर स्थिति है कोई सही नहीं स्थिति है यहाँ का जो ऐसा डेंजर ही है ना विकास सुविधा है ना कुछ मतलब स्कूल का हालात भी वही देख ही रहे हैं जो स्कूल है से सही से चल ही रहा है स्कूल शिक्षा का वही व्यवस्था है यहाँ पे टीचर चाहिए टीचर भी नहीं आता है पूरी तरह से कहाँ किया जाए तो सरकार हम लोग को खोदता है हम ही लोग से सरकार बनता है हम ही लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है न लड़कन के कोई पढ़ाई है न लिखाई है 6 महीना से लॉकडाउन लगा दिए ओकर पहले कोई व्यवस्था नहीं है अरे पहले व्यवस्था करना चाहिए ना कि कहाँ जाएगा ये लोग मजदूर मर रहा है भूख। स्वागत है आप सबका प्रयास न्यूज में, मैं हूं बंटी और आज मैं बिहार यात्रा के दौरान पालीगंज विधानसभा पहुंचा हूं, जहां पर यहां से लोगों की राय जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है इनके क्षेत्र में। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 इस साल जो होना है लगभग वो होना तय ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है कि इस कोरोना महामारी में भी चुनाव होना निश्चित है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जी सांसद महोदय इन लोगों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ध्यान वो अपने इस क्षेत्र पे देते हैं। तो कोरोना महामारी में भी चुनाव होना तय है, तो हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं कल्याणपुर पंचायत में। तो यहाँ लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है जिसको लेकर के क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में। कुछ हो न कुछ नहीं हुआ है कुछ हो न यहाँ के जो वर्तमान विधायक जो है जयवर्धन यादव बच्चा बाबू क्या वो घूमने के बाद जे गेलन है से अभी तक यहाँ क्यों न मारलन है गांव में कि गांव हमर कैसन है बाबा के जन्मभूमि हलन उनका रामलखन यादव जी के लेकिन ताकू न एलन है रामलखन यादव जी तो एबो कर बाकी ताकू न एलन है तो का विकास के बात कर लो सिर्फ मतलब कि चुनाव के दिनों में सिर्फ वोट मांगे बस वोट मांगे भा उनकर रिश्ता ही गांव से है ओकर बाद कोई रिश्ता ना था ना जब हमने भर ली है भर के तब दुवारी पर निकली थी समाज थी यहाँ पे पानी का टंकी वंकी कुछ बनाया गया कि नहीं सरकार गई थे बाकी बीच में वाला खा के अब ये मुखिया जितना जो थे सब मिलजुल के खा जाए था मुख्य सड़क जो बाजार की ओर जाती है उसकी क्या स्थिति है। बहुत डेंजर स्थिति है कोई सही नहीं स्थिति है यहाँ का जो ऐसा डेंजर ही है ना विकास का सुविधा है ना कुछ मतलब स्कूल का हालात भी वही देख ही रहे हैं जो स्कूल है से सही से चल ही नहीं रहा है स्कूल शिक्षा का वही व्यवस्था है यहाँ पे टीचर चाहिए टीचर भी नहीं आता है पूरी तरह से क्या किया जाए। अस्पताल का विधायक बनवा भी था चेहरा पर हो तो अब उन्हें डॉक्टर चाहिए ना कि हाँ कोई प्रबंध नहीं आगे बीमार पड़े तो खटिया पर टांग के ले जाए पालीगंज में हाँ जो स्वास्थ्य केंद्र गांव के वहाँ पे ताश और जुआ का अड्डा बना हुआ है गांव का माना जाता है सबसे मुख्य अड्डा है स्वास्थ्य केंद्र पे। स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पे है आगे बजरंग बली जी का मंदिर है उसके आगे है वो अभी नव निर्माणित है सभी जगह स्वास्थ्य केंद्र मतलब स्टार्ट हो गया है लेकिन हम लोग के यहाँ भी पूरा उसका कार्य भी नहीं हुआ है। जो वर्तमान विधायक जयवर्धन यादव जी हैं उनके बारे में कृपया कर आप बताएं कि वो यहाँ पर गांव में आते हैं नहीं आते हैं कुछ नहीं करते नहीं आते हैं और कुछ कार्य नहीं करते हैं कुछ भी नेपाल जी के अतिथि में यहाँ आया था फंड वही फंड चला गया अब सरकार खा गए कि राम कृपाल जी खा गए कि के खा गया हमारा आरा टूटा हुआ है 3 जगह जो कि पानी के लिए दिक्कत है कोई यहाँ ताकने वाला नहीं है नल जल के वो देखिए रहे हैं कि गड्ढा खत के साल भर से कितना लेकिन गिर के नाक मुँह तोड़ लिया कर ले तो इन पर सरकार के कोई ध्यान है जब वोट आता है तो सरकार हम लोग के खोदता है हम ही लोग से सरकार बनता है हम ही लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है न लड़कन के कोई पढ़ाई है न लिखाई है 6 महीना से लॉकडाउन लगा दिए ओकर पहले कोई व्यवस्था नहीं है अरे पहले व्यवस्था करना चाहिए ना कि कहाँ जाएगा ये लोग मजदूर मर रहा है भूखे का है कौन सिस्टम है खाली वोट के लिए सिस्टम है। सड़क की क्या स्थिति है।
सड़क जो देखिए रहे कि कहीं भट है ना गड्ढा है, दो साल से का तो पासो है, टेंडर हो गया है, अब टेंडर ही नीतीश जी के गांव पर होगा कि कहां होगा तो भगवान जाने, अब तो हम नहीं कुछ कहेंगे। अब वोट का तो समय आएगा तब ना हम लोग सोचेंगे कि किसको देना है। अभी मतलब कि कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं? अभी कोई नहीं आ रहा है, अभी कोई नहीं आएगा, टाइम तबे आएंगे वो लोग। इन ये चलते कि अभी तो अपने रोटी सेक रहे होंगे। विधायक जी जो है आरजेडी से जनता, विधायक जी तो आरजेडी से आज लेकिन गांव में झांकी नहीं मारे, जीतने के पहले आए थे, जीतने के बाद इस गांव में हो सकता है शादी ब्याह में भोज खाने आए होंगे, लेकिन अब पब्लिक के कोई काम के लिए नहीं आए। सांसद महोदय जो है रामकृपाल यादव जी, वो भी अभी तक नहीं आए हैं, वोटे के समय आते हैं वो भी, रामकृपालो जी और विधायकों जी दोनों आदमी आते हैं, बस वोट की समय आती है तो लोग आते हैं कि हमको वोट दीजिए, जब जीत के जाते हैं चाहे कोई जी आएंगे तो वही करेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर विधायक जी हैं या फिर जो सांसद महोदय रामकृपाल यादव जी है, सिर्फ दो टाइम में इस गाँव में घूमने के लिए आते हैं, पहला वोट और दूसरा भोज के दिन, यही ना? बस यही के लिए आते हैं। पाल जी के दिया हुआ फंड था आरा के, जो कि हम लोग गांव तहसील के बनवाए हैं तीन साल का, फिर टूटा हुआ है तीन जगह, लेकिन कोई पूछने भी तक नहीं आता है। एसडीओ और ब्लॉक के तो कर्मचारी एवे नहीं करता है कि क्या हुआ है यहाँ, तो वो तो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग तो और मनमान नहीं है। अच्छा, ब्लॉक में कभी आप शिकायत करने जाते हो तो वहाँ की क्या स्थिति है? अभी तो हम नहीं जान रहे हैं कि शिकायत हुआ है कि नहीं, लेकिन पहले हुआ था, पहले हुआ है, रामकृपालो जी के दिया गया है, सब लोग के दिया गया था कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, लेकिन कहाँ हुआ, खाली थोड़ा सा ढलैया किए हैं रामकृपाल जी, और क्या किया है इसके अलावा? और कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग के ढलैया से जरूरी है कि हम लोग खेती से जरूरी है, वही पर निर्भर हैं जी, वही से ना जी खा रहे हैं, दस गो परिवार के पाल रहे हैं, लेकिन बेरोजगार घूम रहा है, कोई नौकरी के व्यवस्था नहीं है, रुपया दीजिएगा तो नौकरी होगा, तो सब गरीब रुपया है, अपना खाए ला तो पेट में है ही नहीं, रुपया कहाँ से देंगे? सरकार के तो ये पॉलिसी हो गया है, आई वो नीतीश जी के रिजी में, इनका रिजी में तो आउ लग रहे हैं कि क्या करेंगे तो भगवान जाने।